नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि किशोर। स्वागत है आपका मेरे चैनल किशोर टेक टॉक पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एयरटेल आइडिया अगर वोडाफोन का सिम है तो आप कैसे रिचार्ज कराओगे एक महीना फ्री रखने के लिए। दोस्तों ये सुनते ही आप वीडियो को कट मत कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपके पास अगर कीपैड फोन है तो कितने का रिचार्ज कराओगे। मान लो कि आपके पास कोई सिंपल फोन है जिसमें आप इंटरनेट यूज नहीं करते, उसमें कितने का रिचार्ज कराओगे। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें कितने का रिचार्ज कराओगे, क्योंकि स्मार्टफोन में लोग इंटरनेट भी चलाते हैं, तो स्मार्टफोन में आप कितने का रिचार्ज कराओगे कि आप नेट भी चला सको, और सिंपल फोन में कितने का रिचार्ज कराओगे कि सिर्फ आप एक महीने तक अनलिमिटेड कॉल कर सको। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन में हमें क्या चाहिए, सारा दिन इंटरनेट, 1.5 GB डेटा और एक अनलिमिटेड एक महीने तक फ्री कॉलिंग, मतलब पूरे महीने फ्री कॉलिंग। उसके लिए अगर आपके पास वोडाफोन का सिम है या एयरटेल का और आइडिया का सिम है तो आपको एक महीने तक इंटरनेट और कॉलिंग चाहिए, तो आप 249 रुपए का रिचार्ज करा सकते हैं। 249 रुपए में आपको 1.5 GB डेटा मिलेगा, अगर आइडिया एयरटेल वोडाफोन का सिम है तो 1.5 GB डाटा मिलेगा, और यदि अनलिमिटेड कॉलिंग किसी भी नेटवर्क पर। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी, आप चाहो तो एयरटेल से अलग भी कर सकते हो, वोडाफोन से भी अलग। एयरटेल आइडिया और वोडाफोन किसी तरह का चार्ज नहीं लगा रहे हैं वो लोग, क्योंकि जियो को काफी टक्कर देना है उनको, तो ये क्या किए हैं कि ये कोई तरह के IUC चार्ज नहीं लगाए हैं। आप किसी भी नेटवर्क पर, अगर आपने अनलिमिटेड पैक रिचार्ज करा रखा है तो किसी भी नेटवर्क पर आप बात कर सकते हो। तो दोस्तों स्मार्टफोन के लिए तो आप आइडिया एयरटेल वोडाफोन का सिम यूज करते हो तो आपको 249 का रिचार्ज तो कम से कम कराना ही चाहिए, ऊपर तो आपकी मर्जी है जितने की करा लो। ऊपर भी आते हैं, 298 का प्लान है एयरटेल में, 299 का आइडिया वोडाफोन में है, तो 2 GB डेटा आपको मिलेगा पर डे और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग आप किसी भी नेटवर्क पे। लेकिन आप बात करते हैं सिंपल फोन में, तो दोस्तों सिंपल फोन अगर आप भी घर पे रखते हो, और मैं भी रखता हूं, कई लोग क्या करते हैं कि जितना स्मार्टफोन में रिचार्ज कराते हैं उतना ही कीपैड फोन में कराते हैं, लेकिन उतना रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास सिंपल फोन है तो आप उसमें सिर्फ 149 रुपए का रिचार्ज कराओगे तो 28 दिनों तक अनलिमिटेड बात कर सकते हो, और 2 GB डेटा भी मिलेगा जो आप सिंपल फोन में यूज करोगे नहीं। तो 2 GB डेटा एक महीने के लिए मिलता है, चाहे उसको आप एक दिन में यूज कर जाओ अगर किसी स्मार्टफोन में लगा के, चाहे जैसे भी। तो दोस्तों अगर आपके पास कीपैड फोन, अगर सिंपल फोन है तो मात्र 149 रुपए का रिचार्ज कराओ, अगर एयरटेल आइडिया वोडाफोन का सिम है तो 149 में एक महीना तक फ्री रहेगा, आप कितना भी बात करो किसी भी नेटवर्क पे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि 249 का आपने बड़े स्मार्टफोन में कराया तो उतना ही का सिंपल फोन में करा देते हैं। तो दोस्तों इसी के जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, तो दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि स्मार्टफोन के लिए हम अलग रिचार्ज करा सकते हैं और कीपैड फोन के लिए अलग, यानी सिंपल फोन जो कई लोग गांव में रहते हैं जो अपने घर पे फोन दे देते हैं उस पर सिर्फ 149 का ही रिचार्ज कराना जरूरी है सिंपल फोन पे, और अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो 249 298 का रिचार्ज कराओगे तो 249 में 1.5 GB, और एयरटेल का सिम यूज करते हो तो 298 में 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, वही 299 में आइडिया वोडाफोन में 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल मिलेगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला था, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।